डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आखिरकार जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, यानी अब 21 दिन के लिए दुष्कर्म और हत्या की सजा काट रहा डेरा प्रमुख सामान्य जीवन जी पाएगा। जेल से बाहर आया राम रहीम, राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो, अब 21 दिन तक सामान्य जीवन जी पाएगा डेरा प्रमुख। जी हां, दुष्कर्म और हत्या के मामले में 25 अगस्त 2017 से जेल की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आखिरकार जेल से बाहर आ गया है। 21 दिन की फरलो मिलने के बाद अब उसे जेल से रिहा किया गया है, जिसके बाद गुरमीत राम रहीम अपने परिजनों के साथ रोहतक की सोनारिया जेल से कई गाड़ियों में सवार होकर गुरुग्राम के लिए रवाना हुआ। फिलहाल सोनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काफिले में गुरुग्राम की तरफ निकल चुके हैं। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें ले जाया गया है। इससे पहले उनके सर्वजन यहां पर पहुंचे थे और तभी उनको यहां से लेके जाया गया है। खबरें अभी तक के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। डेरा प्रमुख की ओर से पहले भी कई बार फरलो के लिए अपील की गई थी, जिसे हर बार खारिज किया गया, लेकिन अब पंजाब चुनाव से ठीक 13 दिन पहले मिली फरलो के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। डेरा प्रमुख को फरलो जो दी गई है, वो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ये जो टाइमिंग है, इलेक्शंस का टाइम है और कहीं ना कहीं ये एक गंदी सियासत का एक नतीजा है। सरकार, हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये बिल्कुल इसकी मिली भगत का नतीजा है कि जिस तरीके से फरलो दी गई है। दरअसल पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं, जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में माना जाता है। ये डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। इसीलिए राम रहीम को मिली फरलो का पंजाब के चुनाव से सीधे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। राम रहीम की रिहाई पर उठ रहे सवालों पर जब मुख्यमंत्री और जेल मंत्री से सवाल हुए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो सारे सिस्टम ने बनाए है, तो भावे वो संविधान है, कानून है, वो साधना ले सारे समाज ने पता है कि ये चीजा किवें हुंदिया ने। अगर फरलो आज मिली है तो इहदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, इहदा संयोग है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में तो उसके बाद फरलो मिलती है, और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो जो इन्हें आपकी फरलो मिली है वो इसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना, हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना, जब वापस आएँ तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है, एक रेगुलर सजा की बात है, वो हुई है। अब आपको बताते हैं आखिर फरलो है क्या। दरअसल फरलो एक छुट्टी की तरह होती है, जिसमें जेल में सजायाफ्ता बंदियों को छुट्टी मिलती है और तय समय के लिए वो अपने घर जा सकते हैं। यानी अब फरलो मिलने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 21 दिन के लिए सामान्य जीवन जी पाएगा और 21 दिन बाद उसे वापस जेल जाना होगा। हालांकि राम रहीम को मिली फरलो के बाद राजनीतिक बयानबाजियां भले ही जारी हों, लेकिन डेरा समर्थकों में खुशी भी देखी जा रही है। रोहतक में डेरा समर्थकों ने क्या कहा, सुनिए। हमारे को पता चला है कि हमारे पिताजी बाहर आ रहे हैं, तो हम खुद बस भाग आए अपने पिताजी के दर्शन करिए। हमारे जीवन में उन्होंने बहुत सुधार किया है, हम बहुत खुश हैं, हमारे बहुत बहुत ही हद से ज्यादा खुश हैं। आज ही मिलेंगे दर्शन जी, हम के तो उनको कार के दर्शन हो जाएं, जब भी हम खुश हैं जी। डेरा प्रमुख की रिहाई की खबर के बाद सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के बाहर कैसा माहौल देखा गया और डेरा समर्थक कैसे अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए, देखिए सिरसा से हमारे संवाददाता नकुल जसूजा की रिपोर्ट। यहाँ पर एक माता जी क्या कहोगे, डेरा प्रमुख बाहर आ रहे हैं जेल से, और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में, जब आपने खबर सुनी कितनी खुशी हुई? खुशी बहुत बहुत खुशी मालिक, बहुत खुशी। आजा मालिक, कल आएगा, अभी आजा मालिक, अभी आजा मालिक, अभी आजा मालिक, सतगुरु आजा मालिक, सतगुरु। तो बिल्कुल इमोशंस जुड़े हैं डेरा प्रमुख के साथ और दिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही खबर निकल कर आई डेरा के बाहर, डेरा श्रद्धालुओं के इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो डेरा श्रद्धालु हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। माता जी आप क्या कहेंगे, आपने जब ये खबर सुनी तो? बहुत ज्यादा खुश हो रही पिताजी, जल्दी से जल्दी आ जाए, जल्दी से जल्दी, यही खुशी है।
तो अभी आपको क्या पता लगा कि कहाँ आना है ऐसा कुछ आपको अभी? और अगर आते सिरसा में आते हैं तो आप किस तरह से स्वागत करेंगे? बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल तस्वीरें हमने दिखाई, साथ ही साथ डेरा श्रद्धालुओं की भावनाएं दिखाई, जो इंतजार लगभग 4 साल से अधिक समय का वक्त डेरा श्रद्धालुओं का था वो अब दिख रहा है। और ये कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि डेरा प्रमुख कब जेल से बाहर आते हैं और सिरसा डेरा सच्चा सौदा में पहुंचते हैं। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।